जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत, और पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति, लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं से दूसरे नंबर पर भील जनजाति। भील जनजाति के संदर्भ में हमें जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी प्रश्न, प्रायः सभी प्रश्न यहीं से निकल कर आने वाले हैं, और उसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भील जनजाति। तो भील जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति में से है, लेकिन समूह के आधार पर गोंड जनजाति इससे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है, जो कि सर्वाधिक झाबुआ जिले में निवास करती है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरी में एसटी कैटेगरी की बात करूं, अनुसूचित जनजाति की बात करूं, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूं, तो उसकी संख्या में धार जिला अग्रणी है और प्रतिशत के दृष्टिकोण से अलीराजपुर अग्रणी है। लेकिन बात यहां पर पूरी एसटी की नहीं, एसटी की बात करूंगा तो फिर उसमें भील, गोंड, कोरकू, भारिया, सहरिया, उराव सब आ जाएंगे। लेकिन मैं सब एसटी कैटेगरी में से निकालकर भील जनजाति की बात करूं तो फिर जिला झाबुआ अग्रणी हो जाता है। पॉइंट आप समझिए, बात को समझिए, प्रश्न के उत्तर बनने लगेंगे। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको? भील जनजाति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भील ट्राइब्स। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले, जहां मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं, उससे पहले आप इन्हें पहचानिए। यह है डॉक्टर हीरालाल अलावा। 2016 तक एम्स, आपने सुना होगा, ठीक है ना, एम्स में डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा। वर्तमान में यह राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी है, और मनावर, धार जिले की मनावर तहसील से, यह मनावर विधानसभा सीट से विधायक है पार्टी कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हित के लड़ने के लिए इन्होंने एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम है जयस। जयस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर रखी थी। उसका कारण है कि 47 आदिवासी सीट पर इसका द्वारा चुनाव लड़ा जाना, और जरूरत पड़े तो सामान्य सीटें, लेकिन जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसी 80 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे। वर्तमान में ये धार जिले की मनावर तहसील, तहसील कौन सी होगी? मनावर तहसील होगी। जिला कौन सा होगा? धार। तो मनावर विधानसभा सीट जिला धार से हीरालाल अलावा 2018 में कांग्रेस सीट की ओर से चुने गए, और ये वर्तमान में विधायक है, ठीक है ना। तो जयस पार्टी के संस्थापक की बात करें तो हीरालाल अलावा होगा। जयस पार्टी का फुल फॉर्म होता है जय युवा शक्ति संगठन, जो आदिवासियों का है। जय युवा शक्ति आदिवासी संगठन है, वो जयस पार्टी है, और जयस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर हीरालाल अलावा। ये अलावा जो आप नाम देख रहे हैं, ये सरनेम है, एक गोत्र है, भील जनजाति की एक गोत्र है। जिस तरह से मैंने आपको बहुत सारी गोत्र है, मैं आपको सैकड़ों गोत्र गिना सकता हूं, इसमें डावर हुआ, डामोर हुआ, अलावा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से आप इसमें से याद रखिएगा। तो डॉक्टर हीरालाल अलावा को मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैं आपको भील जनजाति पढ़ा रहा हूं, और अभी हाल की तारीख में यदि कोई भील जनजाति से ज्यादा चर्चा में है तो वो है डॉक्टर हीरालाल अलावा। डॉक्टर लगाओ मतलब एम्स से में डॉक्टर रहे हैं, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, और अपनी जनजाति के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर हीरालाल अलावा के संबंध याद रखिएगा, जयस पार्टी का। कौन सी पार्टी का है? जयस पार्टी का, ठीक है ना। देखिएगा, आगे आते हैं तो पढ़ने को मिलता है भील जनजाति के संदर्भ में पूरा क्या प्रश्न निकल कर आएंगे, पूरा बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भील जनजाति मध्य प्रदेश की ऐसी प्राचीन जनजाति है, हमारे मध्य प्रदेश की, अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहा हूं इसलिए शब्द मध्य प्रदेश, वरना पूरे भारत के इतिहास में आप देखो तो भील जनजाति पूरी जनजातियों में से, मैंने कहा शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइब्स मैं कह सकता हूं आदिवासी, आदि मतलब जो सबसे पहले धरती पर वास करते थे, उसमें सबसे पहले उत्पत्ति मानो भील जनजाति की है। क्योंकि रामायण और महाभारत जैसे ऐसे पौराणिक कथाओं में, प्राचीन इतिहासों के पन्नों में भी इस जनजाति का उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख रामायण तथा महाभारत युग में भी किया गया है। रामायण और महाभारत काल में भी भील जनजाति का उल्लेख प्राय पाया जाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बात हम कलयुग की कर रहे हैं, लेकिन आप त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग आप देखोगे तो कलयुग से पहले के युगों युगों की पुरानी प्राचीन संस्कृति और जाति है। कौन सी? भील जनजाति। आइएगा देखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ? पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, लेकिन अभी मैं क्या आपको क्या कह रहा हूं कि भील जनजाति जो है प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और गोंड जनजाति प्रथम कब आती है?
जब हम बात कर देते समूह की, जब हम बात कर देते किसकी, समूह की, मैं आपको एक ही चीज को अगर 10-10 बार रिपीट करता हूं उसका एक ही मतलब है, आप कभी कंफ्यूजन में ना पढ़ो। आज तक आपने जो पढ़ा है वो ठीक है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वहां ठीक नहीं है जहां आप कंफ्यूजन में हो। आपने पढ़ा और उसी की तरह कुछ और पढ़ा, उसी से मिलता जुलता कुछ और पढ़ा, सब एक साथ हो गया, सब खिचड़ी बन गई। वो खिचड़ी नहीं बनने देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, वरना पढ़ा हुआ आपको सब है। भील जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, यहीं पर नोट डाउन करो कि इसके बाद दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। पर एक जगह मैंने पढ़ाया था कि गोंड जनजाति समूह के तौर पर सबसे बड़ी जनजाति है, तो मैंने इसका कहने का मतलब था, समूह का मतलब होता है उपजातियां, तो जिसकी उपजाति अधिक होगी वो समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति होगी। तो उपजातियों के आधार पर, समूह के आधार पर गोंड बड़ी जनजाति है, वरना कुछ भी शब्द ना दे, समूह शब्द ना दे, बस पूछे प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी होगी, भील जनजाति। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 46,18,068 है, जो तो बहुत बढ़ गई होगी, बहुत बढ़ गई होगी, ठीक है ना, जो कुल जनजाति का लगभग 39% है। यहीं पर आप अंतर करो, अगर मान के चलो इस 100% में भील भी है, गोंड भी है, कोरकू भी है, और भारिया भी है, सहरिया भी है, बेगा भी है, उराव भी है, हलवा भी है, और मड़िया भी है, सब कुछ है। तो इस 100% में से मैंने आपको पढ़ाया था कि 33% तो गोंड है, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 39% जो है वो भील जनजाति है। तो आप अनुमान लगाइए, आप सीधा सीधा सा देखिए, ये होगा 40%, 72%, पूरे 100% का 72% तो हमारे यहां पर गोंड और भील जनजाति ही है। तो अब अनुमान लगाइए, यदि 33% गोंड जनजाति और 39% भील जनजाति है, तो जनसंख्या के आधार पर प्रदेश की बड़ी जनजाति कौन सी हुई, ये B4 भील जनजाति और G4 गोंड जनजाति सेकंड नंबर पर। क्लियर हुआ भाई। लेकिन अगर 39% जनजाति है तो मैं कहूंगा कि 5 शाखाओं से मिलकर बनी है, उदाहरण दे रहा हूं 5 से, पर मैं कहूंगा ये 20 शाखाओं से मिलकर बनी है। तो जो शाखा होती है वही समूह होता है, तो समूह के तौर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, गोंड। लेकिन ओवरऑल अगर सबसे बड़ी जनजाति प्रदेश की तो कौन सी होगी, भील। अंतर समझ में आया ना, बहुत स्पष्ट मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये सिर्फ समझाने को था, इसे रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चाहे तो आप कभी वीडियो कहीं भी रोक के आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, वर्तमान में भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश की, हाँ भाई मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश की, मैंने बताया था, मैंने आपको गोंड जनजाति पढ़ाई थी तब मैंने पढ़ाया था पूर्वी मध्य प्रदेश में, मतलब कि मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, बेगाचक क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, रतलाम, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं ना, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, झाबुआ, धार, रतलाम, इधर देखिएगा अलीराजपुर, बड़वानी तथा खरगोन जिले में प्रमुखता के साथ निवास करती है। हां, इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो तो भरमार हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो उनसे लगे हुए हैं, लेकिन पाई जाती है। जैसे कि यहां पर आप कहोगे रतलाम जिला इतना ज्यादा आदिवासी बहुल जिला नहीं है जितना कि झाबुआ और आपका धार हुआ, और खास करके अलीराजपुर और बड़वानी हुआ, फिर खरगोन में तो और भी कम है, लेकिन ये जिले तो और ज्यादा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति, पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारिया और बेगा जनजाति, ऐसा क्षेत्र बटा हुआ, उत्तरी मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति, ये सब आपको नक्शे से और समझा दूंगा, ठीक है। नोट एक लगा हुआ है यहां पर, है भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला झाबुआ जिला है, ये क्लियर हुआ भाई, ये है मस्त प्रश्न मेरे नजर में। प्रश्न ये आता है कि सर्वाधिक एसटी कैटेगरी कहां पर पाई जाती है, तो आप कहोगे धार जिले में पाई जाती है, पर एसटी में तो गोंड भी आ गया ना, भील भी आ गया, भारिया भी आ गया, बेगा भी आ गया। अब इसमें से सिर्फ भील जनजाति को निकालो तो फिर वो धार में ना होते हुए कहां पर आ जाती है, झाबुआ जिले में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अंतर है प्रश्नों में। चलिए इस स्लाइड को मैं दोबारा समझाता हूं ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे भील जनजाति के संदर्भ में, प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश की ऐसी प्राचीन जनजाति जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत काल में मिलता है, इसे मैं कह सकता हूं यह एक आदिम जनजाति है। कैसी जनजाति है, आदिम। आदिम का मतलब क्या होता है, जो बहुत पुराने समय से है। आगे देखिएगा, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों का 39% है। पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का नहीं, वरना मध्य प्रदेश की जनसंख्या तो 7,26,26,809 होगी, ठीक है ना, इतने का होती तो फिर तो क्या होता, सोच लो आप, ये इतने का नहीं, कुल जनजातियों का, जो जनजाति ना उनका, इसमें तो सब आ गए, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब आ गए, सिर्फ
एसटी कैटेगरी का है ना, एसटी कैटेगरी का 39% है। आगे देखते हैं, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मतलब रतलाम हुआ, धार हुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और कुछ हिस्सा खंडवा का भी आप मानिएगा, देवास जिले का भी दक्षिणी हिस्सा जहां पर उदयनगर तहसील लगती है वो भी भील जनजाति का बहुल क्षेत्र है। देवास जिले की उदयनगर तहसील जो खंडवा जिले से टच करती है उसमें भी सबसे ज्यादा धाराजी वाले स्थान पर वहां भी भील जनजाति निवास करती है। आगे देखिएगा, भील जनजाति की जनसंख्या में सबसे पहला या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, झाबुआ जिला, और पूरी एसटी की बात करें तो धार जिला। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ भाई, मैं इसलिए साइड में हो रहा हूं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब मैं साइड में हूं तो कभी भी आप वीडियो को यहां रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको सुविधा रहेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आइएगा। ये देखिए, ये है भाई साहब, नाम से आप समझ पा रहे होंगे क्या नाम है। देखिएगा, भील मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, एमपी की तो बात कर रहे हैं पर आपकी जानकारी और बढ़ा देता हूं, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, त्रिपुरा वो वाला अगरतला जिसकी राजधानी पश्चिम बंगाल के बगल में, तथा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में निवास करते हैं। मतलब ये जानो कि भील जनजाति वाकई में एक विस्तृत जनजाति है, अति प्राचीन जनजाति है। पाकिस्तान वो जगह जो भारत से ही अलग हुई है, और विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की ये जो जनजाति प्रमुख है यह भारत के कई हिस्सों में निवास करती है। तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है, यह प्रश्न जब आएगा तो बहुत ही आपको खतरनाक साबित होगा कि बताओ प्रदेश की कौन सी जनजाति। विकल्प नंबर एक भील, विकल्प नंबर दो गोंड, विकल्प नंबर तीन भारिया, और विकल्प नंबर चार होगा आपको बैगा। पूछो बताओ, बोले चारों जनजाति में से कौन सी जनजाति आज भी पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में निवास करती है। तो आप सोचोगे अरे वाह, अभी तो जिले ही नहीं पता है, तू तो देश के बाहर जा रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। मैं कहूंगा बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, भील जनजाति की बात कर रहा हूं। समझ में आया? देखो अब राजस्थान में भील जनजाति शौर्य, शौर्य मतलब होता है ताकत, शौर्य का प्रतीक रही है जो अपने बलिदान देने में पीछे नहीं हटती है। यहां पर वीर राणा पुंजा भील, नाम सुना होगा, राणा पुंजा भील सदैव पूजनीय है, जिन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और यह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में शुरू हुआ था अकबर की सेना के खिलाफ। बोलो हाँ, अकबर स्वयं लड़ने नहीं आया था, अकबर की सेना आई थी, उसका सेनापति मानसिंह आया था। मैं क्या कह रहा हूं, पुंजा भील जो है वो कभी भी भीलों के नाम के आगे राणा नहीं लगता है, लेकिन यहां पर उपाधि वो लगी हुई है राणा प्रताप वाली, महाराणा प्रताप, क्षत्रिय राजपूतों वाली उपाधि इनके नाम पर लगी हुई है, राणा पुंजा भील। भाई साहब जब सुनना ध्यान से, हल्दी घाटी पर अर्थात मेवाड़ पर आक्रमण करना था महाराणा प्रताप पर, तो राणा प्रताप जी के आक्रमण, उन पर आक्रमण करने से पहले बैरम खां जो किसके में था, ध्यान से सुनिए, मतलब जो आप सॉरी अकबर के जो सैनिक थे, सेनापति था मानसिंह, उसने क्या सोचा कि अगर मुझे यहां पर आक्रमण करना है और यहां से आक्रमण करना है तो बीच में आता है भीलों का क्षेत्र और उनके राजा है राणा जो है पुंजा भील। कौन है? पुंजा भील। तो उन्होंने कहा पुंजा भील से सहमति कर लो और इनको साथ में लेकर, इनको साथ में उठाकर इनके ऊपर आक्रमण कर दो। लेकिन एक तरफ थी असंख्य संख्या और बहुत बड़ा लालच, पैसा, लोभ, सब कुछ, लेकिन पुंजा भील ने सबको त्यागा और सत्य का साथ दिया, और सत्य का साथ देकर राणा प्रताप की ओर हो गए और पूरी भील जनजाति उनके साथ लड़ी। और आज भी मैं आपको कहता हूं, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जो भिलाला लोग होते हैं, भिलाला इनके सबसे सर्वोच्च उपजाति होती है, वो उनका एहसान आज भी क्षत्रिय पर है। कैसे? यहां पर देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध राणा पुंजा ने राणा प्रताप जी के साथ में लड़ा था, तो उनको एक उपाधि दी गई राणा, वरना राणा जो है वो क्षत्रियों की उपाधि है। साथ में देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, इसके कारण आज भी मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है, मेवाड़ का जो ध्वज है, मेवाड़ का जो झंडा है, उस मेवाड़ के झंडे में भील जनजाति का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। यह है मित्रता और यह है इतिहास।
तो मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर सीधा सा नाम है राणा पुंजा भील। देखो भील लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि पुंजा भील का संबंध जो है भील जनजाति से है, पर उनका इतिहास बता दिया कि पुंजा भील कहां के थे, राजस्थान के थे। ये राणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, मुगलों के खिलाफ लड़े थे, हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे और इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था महाराणा प्रताप के लिए। तो महाराणा प्रताप ने भी इनके एहसान को बहुत अच्छे से चुकाया और राणा प्रताप जी ने इन्हें राणा की उपाधि, क्षत्रियों वाली उपाधि प्रदान की है। और साथ ही साथ में मेवाड़ के ध्वज में, मेवाड़ के राज की चिन्ह में भील जनजाति को विशेष स्थान देकर मेवाड़ के झंडे में भील जनजाति का चिन्ह आज भी अंकित है, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा आप राणा पुंजा भील के संदर्भ में। बेटा यही से याद रखना है पुंजा, अगर आपने यहां से शब्द याद रखा कि पुंजा भील, तो 100% एक प्रश्न बनेगा कि कौन सी जनजाति पुंजा दरियों का निर्माण करती है। दरी होती है ना, दरी बिछाने वाली, पुंजा दरिया। जोबट में बात कर लो, अलीराजपुर में बात कर लो, पुंजा दरिया कौन सी जनजाति बनाती है, तो भील जनजाति बनाती है, क्योंकि वो अपनी विशेष कला राणा पुंजा को समर्पित करती है। बन गया प्रश्न, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। यहां से आपको मैं साइड में हूं, इस समय पर जब मैं यहां खड़ा हूं कभी भी आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नोट्स बनाइए अच्छे आप। तो भील शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कितने उल्लेख मिलते हैं, सारे आपके सामने हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं। मध्य प्रदेश जी के संदर्भ में पढ़ने के संदर्भ में जो टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें घमंड से कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे पहले एनालिसिस कर चुका हूं। आपको लग रहा है 2017 का पेपर, आपको लग रहा है 2016 का पेपर, तो आप गलत हैं। 2014 का, 2012 का, 2010 का भी पेपर मैं एनालिसिस कर चुका हूं, तो जो भी पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित पुराने वर्षों में जो रहा होगा वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। इसलिए आप मेहनत जाया ना करो, ये मेहनत उस जगह पर लगा देना जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, वरना एमपी जीके का पूर्ण विश्वास मुझ पर रखो और आराम से शांति से पढ़ो, ठीक है। चलो क्या बोलो हो। भील जनजाति की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से हुई है। अब अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब निकालें, देखना। संस्कृत भाषा जो कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, उसका एक शब्द आता है भिल्ल, जिसे हमने नाम दे दिया भिल्ल, तथा द्रविड़ शब्द। ये द्रविड़ भाषा कौन सी है, दक्षिण भारतीयों की जो भाषा होती है, जैसे कि ध्यान से सुनना, हमारे भारत में जो भाषा परिवार है उस भाषा परिवार में से एक हिंदी भाषा परिवार है, ठीक है ना, एक चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा मतलब ये चेन्नई, ये तमिलनाडु वालों की तमिल, ये केरला वालों की मलयालम, कर्नाटक वालों की कन्नड़, ये गोवा वालों की कोंकणी, और मराठी को छोड़ दो तो बाकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला की तेलुगु, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उड़ीसा वालों की उड़िया। ये दक्षिण भारत की जितनी भी लैंग्वेज होता है, मैंने उड़िया बताया, तेलुगु बताया, तमिल बताया, मलयालम बताया, कोंकण बताया, कन्नड़ बताया, ये सब मिला दो तो इनका भाषा परिवार जो बनता है वो भाषा परिवार बनता है द्रविड़। कौन सा भाषा परिवार बनता है, द्रविड़। तो वो कह रहा है द्रविड़ शब्द मतलब दक्षिण भारतीय शब्द में एक शब्द आता है बील, और तमिल शब्द, ये तमिल, तमिलनाडु का तमिल शब्द स्पेशल, उसका एक शब्द आता है विल्लुवर। तो क्या कहता है संस्कृत, संस्कृत कहता है कि मेरे शब्द भिल्ल से, द्रविड़ शब्द कहता है मेरे शब्द बिल से, और तमिल भाषा कहती है मेरे शब्द विल्लुवर से भील जनजाति की उत्पत्ति हुई है। और तीनों ने उसका एक ही अर्थ माना है, यह बहुत अच्छी बात है, तीनों ने उसका अर्थ माना है धनुष। तमिल के विल्लुवर का मतलब है धनुष, द्रविड़ के बिल का मतलब है धनुष, और संस्कृत के भिल्ल का मतलब है धनुष। मतलब अर्थात धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है, और वाकई में भील जनजाति बिना बांसुरी और बिना तीर कमान के जस्ती नहीं है। तो जो तीर कमान होता है वही धनुष होता है। आप देखो परंपरागत रूप से जो एक जातिगत मेले नहीं होते हैं, सामान्य से मेले लगते हैं, वहां पर आप जाओ तो लोग क्या करेंगे, पुंगी पिटारे खरीदते हैं, ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। पर आप जाओ भगोरिया में और वहां पर आप देखोगे तो व्यक्ति की पहली पसंद अपने एक छोटे से बच्चे को छोटी सी लंगोटी पहनाकर और वो साफा आपा वगैरह लगाकर उसे उसे एक बांसुरी और एक तीर कमान जरूर खरीद कर देंगे। मतलब समझ में आया, वो उनकी संस्कृति का एक परिचायक है और वो उनकी वेशभूषा के साथ में निरूपित है वो। तो मैं कह रहा हूं कि एक अच्छे धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भील जनजाति द्वारा भीली भाषा बोली जाती है, हालांकि इसकी एक उपजाति हो वो बारेला भी बोलते हैं,
ठीक है ना। हाँ मुख्यतः देखा जाए तो बारेला जो है बारेली उसमें भी अंतर होता है, थोड़ी सी अलग अलग चलती है, वो मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मुझे याद कैसे रह सकती है, मैं थोड़े दिन बोलूं अगर मेरे दोस्तों के साथ तो जरूर याद रह सकती है, ठीक है ना। आप लेकिन मेरे दोस्त है नहीं, जितने भी ये सब विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी मुझे सिखाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी इसलिए नहीं सिखाएंगे कि किसी दिन मास्टर को गाली देनी पड़ी तो ये पकड़ कर लेगा। तो अपन अपनी भीली भाषा में बारेली में अच्छे इसको बहुत अच्छा अच्छा सुनाएंगे, खरा खोटा इसको कोई पल्ले ही नहीं पड़ेगी, मजा आ जाएगा। और ये मां साहब बहुत चतरा है, इसको एक आधी बार सिखा दिया तो सीख जाएगा। और मैं सही में सीख जाऊंगा, सिखाना हो जितने भी हो सब सिखाना मुझे। ओके, टीवी नायर की बात करते हैं। याद रखना पहले मैं बेरियर एल्बिन की बात कर चुका हूं, गोंड जनजाति में, वहां पर आपने लिखा था द मूरिया एंड देयर घोटुल, उनकी घोटुल प्रथा। अभी बात कर रहा हूं टीवी नायर साहब। कौन है टीवी नायर साहब? इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है द भील, और इस किताब में भील जनजाति का विस्तृत उल्लेख किया है। तो वेरियर एल्बिन की जब भी बात होगी याद रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से कितना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे मन से समझ रहा हूं कि यदि मैं विद्यार्थी होता, यदि मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा होता और मैं आपकी जगह बैठकर पढ़ रहा होता इस समय, मैं किस बात पर विशेष फोकस करता? मैं इस बात पर विशेष फोकस करता कि सर जैसे ही आपने बोला द भील तो हमें एक नाम याद आया, बेरियर एल्बिन। तो मैं क्लियर कर दूं कि बेरियर एल्बिन जो था वो गोंड जनजाति की किताब लिखी, और वही बेगा जनजाति की किताब लिखेंगे। भील जनजाति की जब बात करोगे तो याद आएगा आपको टीबी नायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टीबी नायर, ठीक है ना। विशेष टिप्पणी लिखी है यहां पर कर्नल जेम्स टॉड, ये भी भाई साहब एक इतिहासकार रहे और जनजाति के संदर्भ में बड़ा विस्तृत उल्लेख इन्होंने किया है। नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड, डबल स्टार लगा लो, एसआई लेवल का चीज है आपका। ने भीलों को वनपुत्र कहा है, स्पेशल भील जनजाति को, जबकि ठक्कर बापा ने पूरे 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 एसटी वर्ग को, ट्राइब्स को आदिवासी कहा था, पर ये आदिवासियों में से एक भील जनजाति को निकाला और भील जनजाति को इन्होंने वनपुत्र कहा है। क्या कहा है? ये जंगलों के बेटे हैं, जंगल की संतान है ये, उनके रक्षक है। तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। प्रश्न क्या क्या बनेगा? कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा है? वन मित्र कहा है, वन पुत्र कहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहाड़ी प्रेमी कहा है, जंगल प्रेमी कहा है, तो वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने किस जनजाति को वन पुत्र कहा है? बेगा को, भारिया को, गोंड को या भीलों को? तो भीलों को कहा है। भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? टीबी नायर ने कहा है, वेरियर एल्विन ने कहा है, जेन फोर्सित ने कहा है, या जनरल जेम्स टॉड ने कहा है? प्रश्न बना। अरे उलझाने वाला उलझाएगा, पर ये सुलझाने वाला पहले सुलझा देगा, है कि नहीं है? नहीं उलझने दूंगा, इसलिए याद रखना, प्रश्न कहीं से भी बन जाएगा। क्लियर है दोस्त मेरे? ओके। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भील शब्द की उत्पत्ति बील से हुई है, और बील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द से मानी जाती है, और ये भाई साहब कहते हैं जिसका अर्थ क्या होता है? कमान। क्या होता है? कमान। तो भाई सीधी सी बात है, तीर कमान हो या धनुष हो, बात सीधी सी होती है, दोनों चीज का एक ही मतलब है। कमान का मतलब होता है कमानी, या जो झुका हुआ होता है, ठीक है ना, जो झुका हुआ था इस तरह से, इसमें रस्सी लगी होती है और ये होता है आपका तीर कमान, ठीक है ना भाई मेरे? ठीक है, सही बनाया कि नहीं? हाँ ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये तीर है, इसके अलावा जो बच रहा है ये वो धनुष ही है या कमान है। तो इस स्लाइड से क्या याद रखें? इस स्लाइड से याद रखें कि भील जनजाति का जो है शब्द की उत्पत्ति अनेक अनेक भाषा और परिवार से मानी गई है, जिसका मतलब होता है धनुष। दूसरी चीज याद रखिएगा, इनकी भाषा जो है भीली भाषा है, और इनकी उपभाषा में देखो जाए तो बारेला है। साथ में देखेंगे द भील नामक किताब किसने लिखी है? टीबी नायर ने लिखी है। साथ में कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है। समझ में आया? ओके चलेगा। नेक्स्ट यहां से हटा देता हूं मैं, यहां पर जब भी आपको लिखना हो मैं इस जगह पर वीडियो आकर रोके और आराम से लिखें, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पर चले क्या? देखिए ये है 1857 के विद्रोह में भील जनजाति का योगदान। मैंने किसी भी जगह को, मैंने किसी भी योगदान को अछूता नहीं रखा इस लेक्चर में, मैंने आपको हर एक चीज देने की कोशिश की और दे रहा हूं। देखिएगा 1857 की क्रांति की बात करो तो 1857 आंदोलन में मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। सक्रिय रूप का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि दिखावे का, वो निष्क्रिय होता है। सक्रिय का मतलब होता है जब तक प्राण ना चले जाए, अपने किए दिए हुए वचन से पीछे ना हटना। आगे देखेंगे
भील जनजाति के जननायक मामा टंट्या भील की बात करते हैं, जिन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया था। एक छोटा सा बालक ही कह सकते हैं, उस समय ज्ञात नहीं था कि छोटा सा बालक आने वाले समय में एक जनजाति के लिए पूजनीय हो जाएगा। कार्य उनके ऐसे होंगे, काम पूजे जाते हैं भाई। मामा टंट्या भील की बात करते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी 15 साल की उम्र में ही बिगुल बजा दिया था कि मैं तुम्हारी हड्डी से हड्डी टकरा दूंगा, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। गोरियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहीद भीमा नायक जी के नेतृत्व में बड़वानी और खरगोन जिले के मंडलेश्वर, क्लियर है, मंडलेश्वर क्षेत्र के आदिवासियों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। किस किस की बात कर रहा हूं मैं पहले तो कह देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं 1857 क्रांति की। उस 1857 की क्रांति में मैं बात कर रहा हूं सिर्फ भील जनजाति की, और भील जनजाति में मैं बात कर रहा हूं मामा टंट्या भील की, और बात कर रहा हूं शहीद भीमा नायक की। तो मामा टंट्या भील की बात करूं तो इनका जन्म याद रखिएगा खंडवा जिले में, खंडवा जिले की एक तहसील है, उस तहसील का नाम है पंधाना तहसील। कौन सी तहसील है? पंधाना तहसील। आज भी देखोगे आप पंधाना तहसील, खंडवा जिले की पंधाना तहसील में मामा टंट्या भील का जन्म हुआ। महज 15 साल की उम्र में उन्हें यह लगने लगा कि यह तो हमारा अपमान है, अंग्रेजों के द्वारा हमारा शोषण है, आदिवासियों का बहिष्कार है। तो मामा टंट्या भील ने इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अभी बताता हूं कि इन्होंने क्या करिश्माई काम किए थे। शहीद भीमा नायक की बात करूं तो इनका जन्म भाई साहब जिला बड़वानी में हुआ था। कहां पर हुआ था? बड़वानी में, जो पहले खरगोन के अंतर्गत आता था बड़वानी में आता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं भील जनजाति में उन महान योद्धाओं की बात कर रहा हूं जिनका जन्म भी कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश की धरा पर हुआ है। रेडी हैं आप सभी? तो इन दोनों के संदर्भ में चीज देखी, अब दोनों को क्लियर से समझाता हूं। देखो आगे, यह है मामा टंट्या भील। इनका जो तस्वीर है, एक चित्र आपके सामने जो कि आपके मन मस्तिष्क में उतर जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्या है देखिएगा। टंट्या भील जी ने ग्रामीण जनता के शोषण, गांव की जनता का शोषण हो रहा था, और उनके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो मिलते ही है, जैसे कि मुझे सांस लेने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, ये किसी को छीनने का अधिकार ही नहीं है। मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार, सार्वजनिक सड़क पर चलने का अधिकार, मेरे अपने लोगों से कहीं भी मिलने जुलने का अधिकार, ये मेरा मौलिक अधिकार है। पर अंग्रेज ये भी छीन लेते थे, तुम यहां नहीं जाओगे वहां नहीं जाओगे। तो उनके मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। किसने? मामा टंट्या भील ने। अंग्रेजों ने टंट्या भील के भय के कारण उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि प्रदान की थी। तो लगाओ डबल स्टार और याद रखना मेरे दादा, इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? अरे वे कुछ नहीं है जो फिल्मों में आते हैं, रियल रॉबिन हुड का नाम आए तो नाम लगाकर आना मामा टंट्या भील का। समझ में आया कि नहीं? इंडियन रॉबिन हुड। टंट्या भील के नाम में भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, टंट्या भील और तात्या टोपे। याद रखना टंट्या भील जी को एक पद्धति युद्ध करने की बहुत माहिती हाथ में थी, जिसे कहते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति। यह गोरिल्ला युद्ध नीति एक समय पर शिवाजी के पास में थी, और इसका मतलब होता है छुपकर वार करना, छुपकर वार करना। क्या होता है? छुपकर वार करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहावत है कि मामा टंट्या भील एक देवता की तरह पूजे जाते थे, और कड़ी यह कहती है कि एक ही समय में 1700 ग्राम पंचायत में सभा किया करते थे, और आदिवासियों के छोटे मोटे गुनाह, पाप, लड़ाई झगड़े को चंद शब्दों में मिटा दिया करते थे, आंखों के सामने से निकल जाते थे, और एक व्यक्ति अंग्रेजों के हजार हजार सैनिक से हाथ में नहीं आता था। तो तात्या से तुलना करते हुए टंट्या भील जी को इंडियन रॉबिनहुड की उपाधि प्रदान की थी। जब तात्या टोपे मध्य प्रदेश में आए थे और महाराष्ट्र की सीमा पर जाना था, तब नर्मदा नदी इन्होंने पार करवाई थी। आगे देखते, जननायक टंट्या भील जी को वर्ष 1889 में फांसी दे दी गई। इनकी समाधि पातालपानी, ये महू में आता है और जिला इंदौर आता है, तहसील महू आती है, इंदौर आता है। महू को अंबेडकर नगर कहा जाता है, अंबेडकर जी की जन्मस्थली है। तो इनकी समाधि पातालपानी पर, वहीं जहां पर टॉय ट्रेन चलती है, तो इनकी समाधि के पास से निकल कर जाती है। इनकी प्रसिद्धि देखो, खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बड़ौदा अहीर, और यहां पर ग्राम एक तहसील आती है भिकन गांव, उसका गांव है गांव गढ़ी कोटड़ा, उनमें टंट्या भील का मंदिर है। तो आपको यह याद नहीं रखना है रजनीकांत का मंदिर कहां है,
ये याद रखना कि मामा टंटिया भीलगा मंदिर कहां है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है वो एक जननायक। जननायक का मतलब होता है जन मतलब जनता का, नायक हो जो नेता हो, ठीक है ना। तो ये भील जनजाति का एक चमकता हुआ सितारा, इनके संदर्भ में पढ़िए आप, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब बताता हूं दूसरे जननायक के बारे में। ये है, देख रहे हो क्या गजब की बॉडी सॉडी देख रहे हो ना, हाँ ये होता है देसी ठाट। नाम है शहीद भीमा नायक जी। गठीला बदन, रंग सांवला, सिर पर पगड़ी, हाथों में तीर कमान, दिल में जज्बा, आंखों में खौफ, अंग्रेजी हुकूमत थर थरा थर। नाम आता है भीमा नायक जी, शहीद भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में खरगोन जिले के मंडलेश्वर से क्रांति का आगाज किया था या नेतृत्व किया था। हमेशा याद रखना, हमेशा पूछा जाता है कि सागर से क्रांति का आगाज किसने किया था, महू से किसने किया था, नीमच से किसने किया था, मंडलेश्वर से किसने किया था, मंडला से किसने किया था, ग्वालियर से किसने किया था, पूछा जाता है ना। अभी याद रखो कि मंडलेश्वर जो खरगोन जिले में आता है, वहां से क्रांति का आगाज 1857 की भीमा नायक जी ने किया था। इनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ था और उनका जन्म खंडवा जिले में हुआ था। किनका? टंटिया भील जी का। टंटिया भील जी को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था, तो वहीं भीमा नायक जी को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। उन निमाड़ के लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे, एकदम चकाचक उनके चेहरे पर मुस्कान देखो, ये देखो एक दूसरे के बहुत मस्त, मुझे भी वही खुशी होती है, कोई भी हो बस नाम हमारे भारत का हो जाए, नाम हमारा हमारा निमाड़ को हो जाए, का यारू मजामा, सब मजामा छे, मजा आ गया दादा, कसी कसी चीज दिखी गई। देखो अब निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड जो होता है भीमा नायक जी को कहा जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो टंटिया भील जी को कहा जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बताता हूं, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। अनाराम में देखोगे आप तो ट ठ ड, ट ठ ड आता है, तो टंटिया भील जी को ट ठ ड ढ ण, तो टंटिया भील जी को कहां का रॉबिन हुड कहा जाता है, तो ट से टंटिया भील और ड और ण से इंडियन। ये देखो आप इंडियन दिख रहा है, तो ट वाली लाइन में जो ड और ण आता है इससे बनता है इंडियन, तो इंडियन रॉबिन हुड ट फॉर टंटिया भील। भीमा नायक जी को क्या कहा जाता है, तो प, देखिएगा यहां पर प फ ब भ ब भ म, यहां पर बात करता हूं तो भीमा नायक जी की अगर बात करूं, मैं भीमा नायक जी की बात करूं तो इन्हें कहां का निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, कहां का निमाड़ का रॉबिन हुड, थोड़ा सा अंतर है समझना होगा भाई, ठीक है। अंग्रेजों ने दोष सिद्ध होने पर, मतलब ये माना कि हमारे खिलाफ ये काम करते हैं, उनके ऊपर दोष सिद्ध होने पर, इन्हें पोर्ट ब्लेयर, कहां की है याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो भारत से कटा हुआ है ना, आप देखोगे दे भारत के नक्शे में ये अलग से समुद्र के किनारे में, ये समुद्र में बना हुआ है ये अंडमान निकोबार, ये पूरी भारत से अलग समुद्र के बीच में, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी, उस पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा हूं। पोर्ट ब्लेयर में मृत्यु हो गई, तो इन्हें पोर्ट ब्लेयर में रखा गया, 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हो गई, उनके लिहाज से मृत्यु थी, हमारे लिहाज से शहीदी है। साथ में याद रखिएगा बड़वानी में भीमा नायक जी के नाम पर महाविद्यालय भी है और साथ ही साथ में एक विजय स्तंभ भी है, किस नाम से, नाम है भीमा नायक जी, तो भीमा नायक जी के नाम पर एक विजय स्तंभ है बड़वानी में, साथ ही साथ में एक महाविद्यालय भी है बड़वानी में। रेडी हैं आप सभी, तो आप लिखिए इनके संदर्भ में 1857 की क्रांति में विशेष योगदान भील जनजाति का, यहां से जानिए आप, ठीक है। नमस्कार सर, थैंक यू सर। भीलों की उपजातियों की बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं, भीलों की उपजातियां, ध्यान से सुनिएगा, भीलों की उपजातियां क्या लिखा हुआ है, भील जनजाति आदिम व पुरानी जनजाति है। आदिम मतलब जनजाति, भील जनजाति दो प्रकार की होती है। अब मैं देखो आपको कुछ चीजें मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा, कुछ किताबें बातें बताऊंगा, किताबी क्यों, क्योंकि हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो कभी कभी हमारा वास्तविक ज्ञान धरा का धरा रह जाता है,
वो क्या उत्तर मानता है हमें उसे भी थोड़ी सी महत्ता देनी होगी। सीधी सी बात है, समझिए, गौण जनजाति में वास्तविकता में वर्तमान में घोटुल प्रथा का अर्थ और कुछ और बताया जाता है, लेकिन किताब घोटुल प्रथा का जो अर्थ बताती है उत्तर उसी आधार पर मानती है, तो कर्तव्य बनता है किसी भी मास्टर का कि दोनों बात लेकर चले। उसी तरह से मैं आपको किताबी बात और वास्तविक बात दोनों लेकर चल रहा हूं। किताब कहती है कि उजलिया भील जिसे क्षेत्रीय भील कहते हैं उसे ही सबसे बड़ी उपजाति भीलाला कहते हैं, ये किताब में है। दूसरा होता है लंगोट भील, तो भीलों के भील जाति के दो प्रकार, कौन सा, एक उजलिया भील और कहीं कहीं पे कहते हैं इसी लंगोट भील को कहा जाता है कालिया भील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उजलिया भील और कालिया भील। अब यहां पर देखो, भीलों की उपजातियों में भील, भीलाला, बारेला, पटालिया, बेगास, उमड़ी और तड़वी, ऐसी कुछ उपजातियां हैं, और भी उपजातियां हैं, पर जो खास उपजातियां हैं जो आज तक पूछी जाती है और हमारे संज्ञान में भी इतनी है, ये भील जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। अब देखो जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है वो आपको स्पष्ट है, भीलों की सबसे बड़ी उपजाति भीलाला है, है? भील जनजाति में जो सबसे बड़ी उपजाति होगी, जो विशेष होगी, वो कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा भीलों की सबसे बड़ी उपजाति भीलाला उपजाति है। और ये याद रखना, एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि सबसे बड़ी उपजाति भीलाला का रहवासी क्षेत्र कहां है, और किस्मत ऐसे थे कि उसमें उत्तर लगाने को एक ही जिला नाम में दिया गया था, वो था अलीराजपुर, और बाकी के सारे जिले जो थे वो मंडला तरफ के थे, तो हमारे लिए तो आसान हो गया। दूसरी चीज देखिएगा, जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, देखो आप समझो यहां पर बात को, ये कहानी घूम फिर कर रह जाती है भीलाला से राणा पुंजा पर, किस पर रह जाती है, राणा पुंजा पर। और ये अपने इतिहास को जब देखते हैं, अपने इतिहास को जब झांकते हैं, तो अपने इतिहास में पाते हैं कि राणा प्रताप के साथ में हमारा मैत्री संबंध, हमारा पारिवारिक संबंध बहुत उम्दा रहा था, तो वहीं से हम मानते हैं कि राणा प्रताप को स्वयं अपने को राणा प्रताप का वंशज कहते हैं, और भीलाला उपजाति भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है। बोलो हां, इस पेज में सारा क्लियर हुआ, चलो भाई नेक्स्ट पर आओ। भील मुख्यतः, भील की बात कर रहा हूं, यहां देखना एक एक शब्द में अंतर है, जो नहीं जानते उन्हें समझना होगा, मुख्यतः सांवले रंग के होते हैं, वही भीलाला अपेक्षाकृत गौर वर्णी होते हैं। गौर वर्णी होते हैं मतलब कि इनका कलर जो होता है वो गेहूआ कलर होता है, और गेहूआ कलर जो होता है वो भी आपको जानना होगा, गेहूआ कलर जो होता है वो याद रखना, वो बिल्कुल एकदम व्हाइट देखते हैं ना, वो जिसे कहते हैं अपन अंग्रेज, कोई अपने हिंदुस्तान के लोग बहुत खराब बोलने में एक नंबर है, कोई आदमी अगर गलती से गोरा पैदा हो जाए तो कहता है अंग्रेज की औलाद, भूरिया नाम रख देता है उसका, भूरिया, भूरो भास, ना जाने क्या क्या कहता, गोरो घट, वो नहीं, गेहूआ कलर होता है, जो बहुत ज्यादा गोरा नहीं होता है लेकिन उसे काला भी नहीं कह सकते, जैसे कि मैं देखो है कि नहीं, थोड़ा बहुत है ऐसा कलर, ज्यादा गोरा नहीं हूं पर काला भी नहीं हूं, कीमत देना गई के दिन, हाँ, और ये तो है, देखो तो ये गेहूआ कलर इनका होता है। साथ में भीलाला उपजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे दादा, भीलाला जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है उनका निवास कहां से उत्पत्ति मानी जाती है, तो वो आता है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, उमड़ी, अभी मैंने कहा इनकी उपजाति आती है, उमड़ी उपजाति सबसे पिछड़ी उपजाति है, सबसे पिछड़ी उपजाति कौन सी, उमड़ी उपजाति, जिस तरह से गोंड में जो मूरिया और मुड़िया थी, ये गुना व शाजापुर जिलों के आसपास के जिलों में निवास करती है, लेकिन सबसे ज्यादा गुना और शाजापुर में मिलेगी। मतलब आपका एक भ्रम निकाल दूं, कलकु भील जनजाति के संदर्भ में गुना और शाजापुर जिला ऑप्शन में हो तो काट के मत आना, पहले थोड़ा विचार करना और यह कहना कि सबसे बड़ी जनजाति जो उपजाति है भीलों की वो भीलाला है, और भीलाला मुख्यतः आपको झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी इनमें मिलेंगे, लेकिन इनकी सबसे पिछड़ी उपजाति है उमड़ी, जो बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रही है, वो भी है लेकिन वो गुना और शाजापुर जिलों तरफ है, इधर आपके धार, झाबुआ, बड़वानी तरफ नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं, तड़वी भी इनकी उपजाति है, तड़वी उपजाति के भीलों को मुसलमान भील कहा जाता है, और इस बात का संदर्भित सारगर्भित उल्लेख अजमेर की दरगाह शरीफ जो है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, वहां से इसका एक उल्लेख छुपा हो, वहां से इसकी एक बात छुपी हुई है कि ये तड़वी जाति जो है वो भील जनजाति क्यों, मुसलमान जाति क्यों कहलाती, मुसलमान भील क्यों कहलाते हैं। भीलों के गांव की मुखिया को गमेती कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गमेती। ये मैं जो कह रहा हूं ना अंडरलाइन, आपको लग रहा होगा कि एक फिल्म चल रही है, पर मैं कह रहा हूं ये फिल्म कई के दिन जब आएगी ना, ये फिल्म हिट होगी पर तुम फ्लॉप हो जाओगे।
इस फिल्म के दृश्य को समझो, एक एक शब्द बहुत बारीक है, मैंने हर पर अंडरलाइन करवाई है और मैं धीरे भी पढ़ा रहा हूं। भील जनजाति के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है, किंतु वर्तमान में पंचायती राज के कारण गांव में मुखिया का स्थान सरपंच ने ले लिया है। सब चीज है कि नहीं। मैं एक जनजातिगत तौर पर बात करूं तो उनके लिए, भील जनजाति के लिए तो मुखिया गमेती हो गया, बोले हमारे गमेती है, लेकिन आज की तारीख में पंचायती राज चल रहा है तो वही गमेती है, वही मुखिया, नाम बदल गया राजपत्र पर और वही क्या हो गया, सरपंच हो गया है, सबके लिए हो गया है, हमारे लिए भी, सबके लिए भी हो गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब बात जनजाति की होगी तो जनजाति में उसे क्या कहा जाता है, गमेती। बोलो हा, ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक आधार पर भीलों की उपजातियां, मतलब ये जो काम करते हैं, व्यवसाय मतलब काम, जो काम करते हैं उस काम से भी इनकी उपजाति, इनकी जाति का पता लग जाता है कि क्या काम है। जैसे मैं तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो भील जनजाति से भाई बहन है वो आपस में ही सोच विचार करके बता सकते हैं कि हाँ हमारी जाति में अगर ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो ऐसा काम तो फला व्यक्ति ही करता है। एक समझ में आता है कि नहीं। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि मुस्लिम एक धर्म है, उस धर्म में ऐसा देखा जाता है प्रायः कि कोई ना कोई व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। जैसे कि हिंदू धर्म में समझ लो, कोई लोहे का कार्य करता तो हमने कह दिया लोहार होगा, हमने कहा कोई लकड़ी का कार्य करता तो हम क्या कहेंगे, विश्वकर्मा होगा, जो बड़ा ही होगा वो कारीगर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कोई नाव चलाने का जिसका व्यवसाय है मछली पकड़ने का, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मांझी समाज से होगा। अंतर है कि नहीं। उसी तरह से देखिएगा, मदवी बदवो या भगत, इसका मतलब होता है या मतलब कि तीनों चीज एक ही है। मदवी कह दो, बदवो कह दो या भगत, इस जाति का व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, पवित्र कारज के लिए पवित्र व्यक्ति। यह प्रश्न पूछा गया है, आपको पढ़ना ही होगा। बोले भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे कहते हैं, तो अधिकतर ऑप्शन में जो आया है वो भगत आया है, सबसे ज्यादा ऑप्शन में जो आया वो भगत आया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कोटवार कौन कहलाता है, या कोटवार को आज की भाषा में, ये कोटवार बहुत अच्छा शब्द है लेकिन आज की भाषा में इसे ही पटेल कह दिया जाता है। इस जाति का अर्थात, जाति का मतलब यहां पर समझिएगा वर्ग, जाति को अलग से नहीं होगी, जाति भील ही है। इस जाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन संभालता है। प्रशासन का मतलब क्या होता है, देखरेख करने वाला, व्यवस्थाएं जमाने वाला, पुजारो। ये पुजारो कौन होता है, इस जाति के व्यक्तियों को औषधियों तथा रोगों के उपचार में विशेष उपलब्धि हासिल होती है। मतलब जो जंगली जड़ी बूटियों के माध्यम से औषधि बनाकर लोगों के रोगों का उपचार ठीक से कर दे, वो व्यक्ति जो होता है वो पुजारो इस जनजाति में कहलाता है। भोपा, ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, भी कोरोना में कहा था कि कोरोना में भाई साहब अपने झाबुआ रतलाम के भोपा चाइना पहुंचाए गए झाड़ फूक के लिए, कोरोना झाड़ देंगे। तो वो जो चर्चा चली थी वो एक मजाक का विषय था, अब उस मजाक के विषय को अपने ज्ञान का विषय बनाओ कि भोपा जो शब्द लिखा है उसमें लिखा है पूजा करने वाले तथा झाड़ फूक करने वाले लोगों को भोपा कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो झाड़ फूक करते हैं, जो नजर उतारते हैं बच्चों की या बड़े बूढ़ों की या फिर कुछ काली बाधाओं को दूर करते हैं, तो भोपा जो होते हैं। अच्छा, इनका एक और व्यवसाय बता दूं जो हमारे क्षेत्र में मैं प्रायः प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप पर देखता हूं, मैं प्रत्यक्ष देखता हूं, मैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे आसपास के, मेरे गांव के आसपास में जो काम करते हैं उसमें इनका एक विशेष कार्य भी होता है, गायन। क्या कार्य होता है, गायन। जो एक तारा आता है वो तार के साथ जो तंबूरा बजाने का राजस्थान में बजाते हैं, उसके साथ में ये बहुत शानदार तरीके से राजस्थानी और खास करके बाबा रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के गीत गाते हैं। और बाबा रामदेव जो है पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं, वो बाबा रामदेव जिनके दरबार में जैसलमेर में लोग पैदल जाते हैं हजरे लगाने, ठीक है ना, जय बाबा री वाले बाबा। तो ये है पिथौरा, भील जनजाति की एक विशेष विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। इस प्रश्न को नजरअंदाज करने वाला बच्चा खुद के पैर पे कुलाड़ी मार रहा है, और वो कैसे करके मार रहा है, ऐसे नहीं मार रहा कि किधर ठोक रहा और लग गई, वो तो खुद सामने लाके पैर रख रहा है और फिर मार रहा है, अगर वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि पूछा गया प्रश्न ये है कि पिथौरा किस जनजाति की एक चित्रकला है, तो याद रखना पिथौरा कला का संबंध भील जनजाति से है।
पिथोरा कला का संबंध भील जनजाति से है, और ये पिथोरा कला कहां कहां फेमस है तो ये आप देखिएगा, आगे मैं बताता हूं, पहले इसे समझिए जल्दी से। मैं जब इस टाइम पर खड़ा हूं, इस टाइम पर आप कहीं भी वीडियो को रोककर आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त? समझ में आया इस स्लाइड में क्या प्रश्न है? इस स्लाइड में देखिएगा, भगत इस जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति, जिसे मधवो या मधवी या बधवो भी कहते हैं, कोटवार जिसे वर्तमान में पटेल कहा जाता है, यह वर्ग जो होता है प्रशासन संभालता है, पुजारो जो होता है इस जनजाति के व्यक्तियों को औषधि के रूप में इलाज करता है, भोपा जो होता है झाड़ फूक के साथ साथ में गायन का कार्य भी करता है, और पिथोरा क्या है? तो दो चीज हो गई, पिथोरा क्या है, पिथोरा क्या है? तो पिथोरा एक प्रसिद्ध चित्र शैली है, दीवारों पर चित्र उकेरे जाते हैं, लकड़ियों पर चित्र उकेरे जाते हैं, पिथोरा एक चित्र शैली है। पिथोरा चित्र शैली का संबंध किस जनजाति से? तो इसका संबंध भील जनजाति से। इसका उदाहरण बताऊं, ये देखो कैसे होता है, दीवारों पर उकारी गई सुंदर प्रतिक्रियाएं, सुंदर चित्रकारी आप देखोगे तो पिथोरा कला। मुझे अपने ही एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने जो अलीराजपुर से है, वो सरिता, उसने मुझे इसका प्रत्यक्ष वीडियो दिया था कि देखो सर हमारे पिथोरा, पिथोरा मतलब कि चित्रकारी चल रही है, लोग बैठे हैं वहां पर, गायन भी चलता है, और वो एक व्यक्ति घोड़े की तस्वीर, शानदार क्या उम्दा तस्वीर बनाता है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है, जिसमें वो क्या बता रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि बैल जो है वो गाड़ी को हाँक रहे हैं, एक व्यक्ति जो गाड़ी को चला रहा है, कोई व्यक्ति अपने काम पर जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, किसी के सिर पर बोझ लदा हुआ है, कोई अपने मवेशियों को लेकर आगे जा रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, ऐसा एक गांव का पूरा परिदृश्य बताया, और चार से पांच लोग गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, तुम जैसे लोग लटक भी रहे हैं, देखो ये बता रहे हैं कि हमको बिता, हमको बिता नहीं बिताओगे, ये लटक रहे हैं, ये पीछे क्या दृश्य बताया। ये साथ में बताया है कि हिरण जो है, जंगली जो जीव है शाकाहारी, वो वृक्षों की पत्तियां टहनियां खा रहे हैं, पंछी उड़कर आ रहे हैं, ये सब जो बताया गया है ये पिथोरा कला के अंतर्गत आता है, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो साथ ही साथ में याद रखिएगा, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, वस्त्र आभूषण की जब बात करते हैं तो यहां से प्रश्न निकल कर क्या आता है, जब भी हम वस्त्र आभूषण की बात करते हैं तो यहां से प्रश्न निकल कर आता है कि भील जनजाति श्रृंगार एवं आभूषण प्रिय जनजाति है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा श्रृंगार करने का, एक समय विशेष पर, ऐसे नहीं 24 घंटे, समय विशेष पर, और आभूषण प्रिय, हाथों में, पैरों में, नाक में, सिर में, ऐसे कुछ अच्छे सी चीजें आभूषण पहनने का शौक है। स्त्रियां शरीर पर गोदने अर्थात टेटू, गोदन का कार्य करवाती है। अमूमन हमने देखा है कि भील जनजाति में प्रचलन में है कि हाथों पर, कभी कभी आप देखना, एक ही जनजाति नहीं, अमूमन सभी जनजाति में देखा जाए तो एक चूंकी जमती है, चूंकी जमती है ना, ऐसे चूंकी जमाते थे, ऐसे करके ऐसे ऐसे चलती थी, तीन बिंदिया, चूंकी माना कि जीरो है, एक से भाई, यहां पर मिल जाएगा, हाथों में नाम मिल जाएगा, यहां पर गोदन मिल जाएगा, कभी गालों पर, कभी सिर पर, कभी हाथों पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गोदन, गोदन का मतलब सीधा सा मैंने आपको आपकी भाषा में लिख दिया, टेटू, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही चांदी के आभूषण तथा हाथ में कड़ा तेज रंग के कपड़े, तेज रंग के कपड़े में क्या होता है, घाघरा तथा ओढ़नी पहनती है। घाघरा जो होता है वो नीच वस्त्र होता है, साथ ही में ओढ़नी जो होती है, आप ये मान लो कि एक साड़ी का छोटा टाइप होता है, ओढ़नी जो साड़ी की लंबाई में नहीं होती पर साड़ी की ही तरह होती है, जो साइज में छोटी होती है, ओढ़नी है ना, तो वो जिससे सिर ढका जाता है और शरीर को ढका जाता है, तो ओढ़नी अर्थात जिसे कह सकते हैं तेज रंग के कपड़े, जैसे कि नीला तेज रंग का कपड़ा, हरा, पीला, जो एकदम से तेज लगते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा गहरी रंग की साड़ी पहनी जाती है, ये पूछा गया प्रश्न 2017 MPSI का है, क्या कर लोगे फिर देखना, मैं बताता हूं, उसे सिंदूरी कहा जाता है। तो प्रश्न क्या था, सिंदूरी का संबंध किस बात से है? MPSI 2017, कांस्टेबल तो बहुत दूर की बात है, MPSI 2017, सिंदूरी क्या है? तो सिंदूरी क्या है, तो लिखा हुआ है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली गहरी रंग की साड़ी। गहरी रंग की साड़ी का मतलब मैं आपको बताया ना, ऐसा तेज कलर जिससे डार्क कलर कह सकते हैं आप, वो सिंदूरी कहलाती है। साथ ही साथ में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा एक जो वस्त्र पहना जाता है उसे अंगरखा कहते हैं, ये सभी किताबों में मिलेगा, प्रायः अधिकतर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अंगरखा क्या है?
तो याद रखिएगा अंग रखा भील जनजाति के द्वारा स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो भील जनजाति की स्त्रियां जो वस्त्र धारण करती है उसे अंग रखा कहते हैं। आगे देखिएगा सिंदूरी क्या है, अंग रखा क्या है, दोनों क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आपको वीडियो वापस से पीछे आके देखने की सुविधा है, देखो, पर भाई भूलोगे तो आपकी गलती, मैं तो सब पढ़ा चुका हूं। अगर कोई मास्टर इस स्लाइड को छोड़ के साइड में खड़ा भी हो जाए ना तो भी बच्चे का दायित्व तो बन जाता कि वो पढ़ ले, मैं तो एक एक चीज को चार चार बार खुद पढ़ा रहा हूं। भील दुल्हन द्वारा, मतलब शादी के समय पर भील जो दुल्हन बनी होती है उसके द्वारा पहने गए वस्त्र को पीरिया कहा जाता है। ये जातिगत शब्द है, जनजातिगत शब्द है जिसे हर कोई नहीं जानता है। जैसे कि टाई पहनो, सूट पहनो, बूट पहनो, ये तो हम कोई भी कह देते हैं, कोई पगड़ी कहता है, कोई साफा कहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखिएगा, कोई ठेपड़ा कहता है, तो याद रखिएगा ये पीरिया, पीरिया शब्द क्या है? तीन चीजें फिर से क्लियर कर रहा हूं। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली गहरी रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। सामान्यता पहने जाने वाले उनके वस्त्रों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा अंग रखा कहा जाता है। वहीं जो दुल्हन बनती है, जब सजती है और जो वस्त्र पहनती है, वो विशेष समय पर पहना गया वस्त्र पीरिया कहलाता है। वहीं पुरुषों की बात करें तो भील पुरुषों द्वारा कमीज तथा धोती, धोती आती है ना, ठेपाड़ा होता है जिसे, मैंने देखो लिखा हुआ है कि धोती जो होती है बांधने की, उसे जातिगत शब्दों में ठेपाड़ा कहते हैं। कुछ जगह पर जरूर नहीं कि कहते हैं, कुछ जगह पर नहीं भी कहते हैं, क्योंकि भील जनजाति सिर्फ आपके ही जगह पे नहीं, बहुत फैली हुई है, ये पूरे भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में तो तुम क्या लग रहे हो, है कि नहीं? ठीक है ना। सिर पर साफा जिसे पोत्या कहा जाता है, देखो जाति का शब्द, देखो धोती बोले धोती, ए राजी उठा रे, वो धोती तुम सब जानते हो, पर वो क्या कहते हैं? वो उसे ठेपड़ा कहते हैं। साफा हम कहते हैं इसे कि भाई साफा बांध दो, पगड़ी बांध दो, साफा बांध दो, पर वो क्या कहते हैं? उसे पोत्या कहते हैं। अपनी भाषा होती है, अपनी बोली होती है, पहना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भील लंगोटी को खोईतू कहते हैं, जो लंगोटी धारण करते हैं ना उसे खोईतू कहते हैं। तो याद रखिएगा एक एक शब्द इस स्लाइड में बहुत भारी भरकम है, पुना में साइड में होकर फिर से बोल रहा हूं। पहली लाइन में लिखा है कि भील जनजाति एक श्रृंगार प्रिय आभूषण प्रिय जनजाति होती है और ये गोदन अर्थात टेटू मंडवाती है, मतलब समझ में आ रहा है शरीर पर। दूसरा, चांदी के आभूषण हाथ में पहनना, कड़े पहनना, तेज रंग के कपड़े पहनना इन्हें पसंद होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, भील जनजातियों की स्त्रियों द्वारा जो गहरी रंग की साड़ी पहनी जाती है उसे सिंदूरी कहा जाता है। सामान्यतः जो बहुत सारे कपड़े वो धारण करती है उसे अंगरखा कहा जाता है। अंगरखा का संबंध किस जनजाति से? तो भील जनजाति से। अंगरखा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। पीरिया क्या है? तो भील जनजाति की जब महिला, जब वो लड़की विवाह के समय पर जो दुल्हन बनी है वो जो वस्त्र धारण करती है उसे पीरिया कहते हैं। धोती जो होती है उसे ठेपाड़ा कहा जाता है, साफा जो होता है उसे पोत्या कहा जाता है, और साथ में याद रखना है भील जनजाति में लंगोटी को खोईतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोईतू कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या है क्या? यहां तक अगर कोई समस्या ना हो, यहां तक अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आगे पढ़ना शुरू करें। याद रखिएगा ये जो वीडियो है, ये जितने भी हम लेक्चर बना रहे हैं इनमें सामान्यतः बहुत आसानी से आपको सुविधा है कि आप इससे पीछे जाकर इस वीडियो को, जहां मैं साइड में हूं, स्लाइड को पूरे आराम से देख सकते हैं, लिखकर नोट्स बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, यहां तक हुआ आपका भील जनजाति। लेकिन 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 अभी समाप्त नहीं हुआ है। भील जनजाति के कुछ 5 से 7 स्लाइड आपकी और बची है, तो मैं क्या करने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। मैं भील जनजाति को कंटिन्यू करने वाला हूं इसके जस्ट अगले लेक्चर में, और उसी में मैं आपको बेगा जनजाति भी पढ़ा देता हूं। तो आपको क्या होगा, सुविधा हो जाएगी कि एक ही लेक्चर में दो जनजाति, वैसे भी दो लेक्चर में, एक में भील अगर जनजाति होती तो दूसरे बेगा जनजाति के लिए होना था। मैं आपको एक काम करता हूं, जो भील जनजाति का बचा हुआ पार्ट है वो और साथ में बेगा जनजाति वो दोनों मिलाकर पढ़ा देता हूं। बोलो कैसी रहेगी? ठीक है, तो मेरे दोस्त कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स कर दीजिए, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, यहां जो आप पढ़ रहे हैं बहुत विश्वसनीयता के, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और परीक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है। ठीक है, चलिए मुझे विदा दीजिए, मिलता हूं, जय हिंद, धन्यवाद।